तो वहीं प्रतापगढ़ में भी मौसम ने अपने मिजाज बदल दिए हैं। तेज हवाओं के साथ शुरू हो गई है बरसात। मतदान केंद्रों के बाहर लगे टेंट हवा में उड़े हैं। कई मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी पाई गई है। बिजली आपूर्ति बिल्कुल तरीके से ठप नजर आ रही है, गड़बड़ा गई है। तेज बारिश के बाद घरों में रुकने को वोटर्स जो है वो मजबूत हो गए हैं। आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कितनी तेज हवाएं हैं। मतदान जो केंद्र है वो इसलिए भी खाड़ी हो गया क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि दोपहर में सूरज चढ़ गया है, तपती गर्मी है, इसलिए थोड़ा सा सूरज ढले, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो तो वो घरों से बाहर निकले और मतदान करे। लेकिन मौसम ने इस तरह करवट बदला कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तेज बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है, इसलिए वोटर्स अब अपने घरों में कैद हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। अभी 4:15 हो रहा है, शाम 6 बजे तक मतदान हो पाएगा। अभी भी समय है, इंतजार करना होगा कि कब ये थमे बारिश, कब हवा का रुख जो है वो शांत हो और कब वो अपने घरों से बाहर निकले। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम ने करवट बदला इसलिए वोटर्स अपने घरों को रुकने के लिए मजबूर हैं। कई जगह पर जो टेंट लगे हुए हैं वो उखड़ गए हैं, कई जगह पर जो प्लास्टिक की कुर्सियां हैं वो हवा की वजह से इधर उधर बिखरती हुई नजर आ रही है। ये तमाम तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तेज बारिश और तेज हवा की। तो और इस बीच राजसमंद से खबर यह है कि कुंवारिया के दौलतपुरा के ढोल नगाड़े के साथ मतदान करने के लिए ग्रामीण पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाहरी राज्यों से भी मतदान करने के लिए प्रवासी यहां पर पहुंचे हैं, ढोल थाली मंजीरे के साथ नाचते गाते वोट देने पहुंचे हैं। देखिए अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग रंग हैं इस मतदान के दौरान। कहीं पर बहिष्कार किया जा रहा है, कहीं पर वोट डालने के लिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं, मौसम का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन कहीं से ये तस्वीर भी सामने आ रही है जो राजसमंद की कुंवारिया की तस्वीर है। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ मतदान करने की अपील की जा रही है और वोट डालने के बाद की खुशी भी देखने को मिल रही है। मतदाताओं में भारी उत्साह है और इसीलिए नाचते गाते वो वोट भी डाल रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो भी अपने घरों से निकले और अपना कीमती वोट जरूर डालें। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राजस्थान का दौरा था 13 लोकसभा सीटों के लिए, उन्होंने अपील की थी चुनावी मंच से कि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है, जैसे मेला देखने के लिए आप जाते हैं सज धज कर 3-4-10 लोगों के एक झुंड में भीड़ में जाते हैं हंसते गाते, वैसे ही निकलिए इस बार जलपान से पहले एक झुंड में ढोल नगाड़ों के साथ। और नगाड़ों के साथ उत्साह से जाइए क्योंकि पर्व को सेलिब्रेट करना है। वही एक तस्वीर आपको राजसमंद से नजर आ रही है। तो देखिए लोकतंत्र का महापर्व और चाहे बारिश हो या फिर बिजली गुल, मतदान का उत्साह कम नहीं होगा। कोटा में कुछ इसी तरह के हालात हैं क्योंकि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में आज कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है, कहीं तेज बारिश का दौर जारी है और इस बीच बारिश के बीच भी लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी तस्वीर है। तो आप देख सकते हैं लोकतंत्र का महापर्व और इस महापर्व में हर कोई अपनी आहुति देना चाहता है। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में हम हैं और ये लंबी लंबी कतारें आपको एक पोलिंग बूथ की दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो तस्वीर आप दिखाएंगे वो आसमान की होगी क्योंकि आज सुबह से ही मौसम का जो मिजाज है वो बिगड़ा हुआ है। घने काले बादल छाए हुए हैं, बादल गरज रहे हैं तो बिजली भी कड़कती हुई नजर आ रही है, कभी तेज तो कभी रुक रुक करके जो बारिश है उसका सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस बारिश के बीच भी वोटर्स का जो उत्साह है वो किसी भी तरह से कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये कतार इस बारिश के बीच में बरकरार है। एक कमी से जुड़ी हुई तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि कोटा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में इस वक्त बारिश का दौर चल रहा है और इस बारिश के बीच ज़्यादातर इलाकों में बिजली गुल हो गई है और ऐसे में पोलिंग बूथ पर बिजली को लेकर के कोई वैकल्पिक इंतज़ाम नहीं होने के चलते जो मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे इस पोलिंग बूथ पर आप देखिए कि फिलहाल अंधेरा आपको नज़र आएगा, अंधेरे के बीच में यहाँ पर होती हुई वोटिंग आपको नज़र आएगी क्योंकि मोटे तौर पर ये अंदाज़ा नहीं। और तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रतिशत से ज्यादा सेंस मंदिरों के चढ़ावे पर लगाया गया
क्या इन सब चीजों से आप सहमत है? क्या कांग्रेस को यह करना चाहिए था? जरा इसका उत्तर दे दीजिए आप मुझे। आप लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं मतदान पे, बताइए राजकुमार जी। राजकुमार जी जवाब। मुझे लगता है आदरणीय आप बीजेपी के एगो। नहीं 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 नहीं, मैं हिंदू हूं और सनातनी हूं, और यदि इस देश के सनातन में कहीं पर भी प्रहार होगा तो मेरे को प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार है। टीका मैं लगाता हूं, कलावा मैं पहनता हूं, अपने भगवान की पूजा करता हूं। यदि हिंदुओं के संग कोई धोखा कांग्रेस कर रही है, मैं ओबीसी हूं, आप मेरे आरक्षण पे जो कब्जा कर रहे हैं उसको उत्तर दीजिए। मेरे भी लगा हुआ है रोली बोली, मेरे भी बता। तो जाकर भैया मंदिरों पर टैक्स क्यों लगवाया आपने, ये बताइए मंदिरों पर टैक्स क्यों लगवाया? गलती क्या हो गई हम लोगों से बताओ? मस्जिदों पर तो नहीं लगाया, चर्चों पर तो नहीं लगाया, और क्यों लगाया? पार्टी तो चाहती है। अरे बताओ तो सही भैया, मेरे अखंडता के लिए ये जो डर का वातावरण हो गया है इसको खत्म करने के लिए आइए अधिक से अधिक मतदान करिए। राजस्थान देख रहा है अभी आपको, पूरा राजस्थान देख रहा है, मेरे प्रश्नों पे आवाज नहीं निकली, तालू जाम हो गया आपका, दही जम गया सर। ठीक है योगेश शर्मा जी, योगेश शर्मा जी आप कैसे देख रहे हैं? क्या मतदाता अपने घरों से निकल रहा है तो इन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहा है? जी राजस्थान में अब श्री राम मंदिर, सनातन धर्म और जो भी मोदी सरकार के काम है उनको लेकर अब मतदाता एक्टिव हो गया है, सक्रिय होकर वो मतदान कर रहा है। ये मतदान का जो बढ़ता प्रतिशत है वो यही बात कर रहा है कि जो पहले चरण में जो चूक हो गई थी या जो मतदाता उदासीन हो गया था, कारण चाहे कोई भी रहे हो, पर अब लग रहा है कि मोदी सरकार के पक्ष में जो है वो मतदाता मुखर होकर मतदान कर रहा है। तो कितने प्रतिशत वोट कास्ट हुए अब तक, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं महासंग्राम 2024 से जुड़ी, जहां पर राजस्थान में अब तक 40% से ज्यादा लोग जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। तो देखिए चित्तौड़गढ़ में 40% से ज्यादा का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, अजमेर में 35.77% वोटिंग हुई है, और जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे क्या पहले चरण के मुकाबले इस बार वोटिंग में इजाफा होगा, प्रतिशत सुधरेगा, मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, इन सवालों का जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। चित्तौड़गढ़ में 40.50%, कोटा में 42.51% अब तक वोटिंग हो चुकी है। शाम 6 बजे तक का वक्त है, निश्चित तौर पर ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे, वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं जहां न्यूज चैनल और पसंदीदा हिंदी न्यूज वेबसाइट पर। .77% लोगों ने वोट कास्ट किया है, भीलवाड़ा में 37.01% वोटिंग हुई है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ पर 40.05% यहाँ पर लोगों ने वोट कास्ट किया है। तो ये लगातार अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर चलती रहेगी, लेकिन एक टिप्पणी भी हम ले लेते हैं एक करके। राजकुमार जी ये जो हम बात कर रहे थे प्रतिशत अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह से ये आंकड़े रहे तो शाम तक अच्छी खबर है। राजकुमार